Now, Britain's second biggest city has effectively declared itself bankrupt this week. अभी यूके के गवर्नमेंट ने कहा कि पाकिस्तानियों को फिल फौरी बाहर निकालो यहाँ से। क्या वजह है कि हमारा बायकॉट क्यों? कई ममालिक में पाकिस्तान गेट आउट कैंपेन चल रही है जिसमें सरे फहरिस्त है यूके टेकिंग ऑन ब्रिटिश पाकिस्तानी मेन। असल में ये है, मैंने भी पढ़ी है ये अखबार में कि वहाँ 14% जो पाकिस्तानी है ना वो काम नहीं करते, बाकी जो बांग्लादेशी या इंडियन है दूसरे मुल्क वो काम करते हैं। मुसाफिरों पर बरतानवी एयरलाइंस ने सफरी पाबंदी लगाने पर गौर शुरू कर दिया है। नमस्कार, हिंदी दिवस पर मैं आपके साथ मेरे पंच पसंदीदा शब्द। एक और कारनामा पाकिस्तानियों का, बर्मिंघम बैंकरप्ट हो गया है पाकिस्तानियों की वजह से। रिपोर्ट बताती है, बर्मिंघम कहता है कि हमारी तबाही की वजह पाकिस्तानी है क्योंकि इनको काम करने तो मौत आती है, पाकिस्तानी काम नहीं कर सकते। पाकिस्तानी कहते हैं हराम का मिले जहां से मिले खोलो। सबसे बड़ी आपके पास निशानी क्या है? IMF ने जब आपको पैकेज दिया उसने तमाम पॉलिटिकल पार्टी से साइन करवाया, क्यों? उसको ट्रस्ट ही नहीं है आप पे, तो इस वजह से एज कम्पेयर टू इंडिया, इंडिया में आप देखें लोग काम कर रहे हैं। वो इसी कोशिश में है कि किसी तरह से पाकिस्तानियों को वहां से दफा किया जाए क्योंकि अभी उनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि बजट नाफिज कर सके। बर्मिंघम के अंदर से एक न्यूज निकल कर आ रही है जहां पर वो पाकिस्तानियों का बायकॉट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि यूके के अंदर से पाकिस्तानियों को निकालो क्योंकि ये कोई काम धंधा नहीं कर रहे बल्कि यूके की गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बनते जा रहे हैं। इससे पहले कि अगर मैं न्यूज बताऊं, तुर्की और दुबई भी हमारा बायकॉट कर चुके हैं, बायकॉट होता आ रहा। बल्कि इसके बरक्स अगर मैं बात करूं, गाइस अगर मैं बात करूं इंडियंस की, तो गाइस इंडियंस की दुनिया में तारीफ होती है। गाइस यूके के प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन ही है। इसके अलावा आप अमेरिका में देख लें, अमेरिका की सबसे बड़ी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी का आप नाम लेंगे वहां पर इंडियंस आपको उनके CEOs मिलेंगे। हम यहां पर कोई काम धंधा नहीं करते और इंडियंस दुनिया को लीड कर रहे हैं। क्या डिफरेंस है हम में और हिंदुस्तानियों में? सर, बात करने का पर्पस है कि अभी एक न्यूज़ आ रही है, यूके के एक सबसे बड़े सिटी है जिसका नाम है बर्मिंघम, बर्मिंघम के अंदर से पाकिस्तानियों का बायकॉट करने का एक ट्रेंड चल पड़ा है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी यहाँ पर आ रहे हैं, कोई काम काज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो यूके की जो गवर्नमेंट है उन पर बोझ पड़ता जा रहा है। तो वहाँ पर इंडियंस भी हैं, वहाँ पर और कंट्रीज से भी लोग हैं, तो उनका बायकॉट क्यों नहीं, हमारा बायकॉट क्यों होता जा रहा है? असल में ये है, मैंने भी पढ़ी है ये अखबार में कि वहाँ 14% जो पाकिस्तानी है ना वो काम नहीं करते, बाकी जो बांग्लादेशी है इंडियन है दूसरे मुल्क है वो काम करते हैं, वो ज़्यादा काम करते हैं। वो यहाँ से जो जाते हैं ना हमारे पाकिस्तानी, वो काम नहीं करते, पढ़ने के लिए स्टडी वीज़े के लिए जाते हैं, वहाँ जाकर वो जॉब कर रहे हैं लेकिन करते नहीं हैं। अच्छा, हाँ ये बिल्कुल हमने भी पढ़ी है और ये ट्रेंड चला कि हम वैसे भी आलसी मुल्क हैं, भिखारी है, वो कहते हैं चलो भीख से वहाँ भी कुछ मिल जाएगा, भीख मांगने चले जाते हैं कि चलो यहाँ आए कोई भीख से मांग जाए, मान जाए इस पर वो उनको मिलता है गुजारा अलाउंस बरतानिया हुकूमत देती है लोगों को जो बेरोजगार होते हैं, वो कहते हैं चलो इसे गुजारा चला लेते हैं, ठीक है जुगाड़ लगा लेते हैं, जब जुगाड़ लगता है लगाएं, जब नहीं होगा चलो वापस से पाकिस्तान चले जाएंगे। बल्कि पाकिस्तानों ने क्या करना है, आकर वो कहते हैं चलो भीख मिल रही है खा रहे हैं बस। हम शुरू से असल में हैं भिखारी कौम, पाकिस्तान है ही भिखारी। हम उधर भीख मांगते हैं, उधर से भीख मांगते हैं, कभी अमेरिका से, कभी UAE से, कभी सऊदी अरब से भीख मांगते हैं, ठीक है कभी बरतानिया से भीख मांगते हैं, भिखारी कौम है। और हकीकत बात यह है कि हम वाकई भिखारी हैं, हमें काम करने की आदत नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे मुल्क के ये हालात आ गए हैं, हम गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम देते हैं कि गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही। क्या गवर्नमेंट वाकई में कसूरवार है कि हम ज़्यादा कसूरवार हैं? नहीं, गवर्नमेंट तो 50% कसूर है, 75% हम खुद कसूरवार है, 75% हम खुद कसूरवार है। इसलिए हम खुद नहीं काम करना चाहते। आप किसी सरकारी इदारे में चले जाएँ, वहाँ 10 बंदे बैठे तो 2 काम करने और 10 खाली बैठे होंगे, काम ही नहीं करते, ठीक है करेंगे भी सही तो एक आध काम करेंगे और सारे दिन टरका के चाय पियेंगे, इधर से वो जा रहे हैं तनख्वाह ले लेते हैं, काम नहीं किया, टके करता यहाँ जेब गर्म की जिसने उसका काम कर दिया, बाकी जाओ यार कल आना परसों आना, वापटा में चले जाएं, एक्साइज में चले जाएं, इनके टैक्स में चले जाएं, पुलिस में चले जाएं, जुडिशरी में चले जहाँ भी चले जाएं। हमारे मुल्क का ये सबसे बड़ा अलमिया है कि हम दूसरे के पास यार ये ले यार 1000 रुपये काम कर दो, वो कह रहे हैं ठीक ले आओ कर लो, ये अलमिया है। हम लोग काम नहीं, काम सीधी सी बात है, हम काम चोर लोग हैं, हमारा गुजारा कि हम कहते हैं कि यार मुफ्त की रोटी मिल जाए, मुफ्त के पैसे मिल जाए, करप्शन के पैसे मिल जाए, आराम से हम खाते रहें, अगले 2-4 नस्लें भी खाते रहें, छोड़ो पाकिस्तान को बेचो और चलो अमेरिका, चलो लंदन में जाकर बैठ जाओ, एयरपोर्ट बेच दो, रेलवे बेच दो, PIA बेच दो, जो सब कुछ रोड बेच दो, सब कुछ बेच दो, गंदम बेच दो, सब कुछ बेच दो, लेकिन ये कि डॉलर लो बर्बाद चले जाओ,
पहले ये था मुशरफ आया था, जल्दला अल्लाह ने जल्दला दे दिया, डॉलर मिल गए। उसके पहले ज़ियाल हक था, उसने रूस को टुकड़े किए और हमें डॉलर मिल गए, ठीक है। उसके बाद जनाब अभी जो है ये हमारे शुबाज शरीफ साहब आए थे, उन्होंने भी यही कहा कि यार कहीं से डॉलर ले आओ। बस चीफ ने गया, चीफ जाकर मिनते कर रहा उसकी यार थोड़े से डॉलर दे दो, थोड़े से डॉलर। हम डॉलर मांगते हैं, भीख मांगते हैं, और जब खा लेते हैं फिर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। सर ये कब तक चलता रहेगा? ये चलता रहेगा जब तक ये कौम खरक नहीं होगी। मैं सीधी सी बात बताता हूँ, ये जब तक कौम हमारी बर्बाद नहीं होगी ये चलता रहेगा, क्योंकि हमने एक रूटीन बना ली है कि जी आप आ रहे हैं जो झूठ बोलते हैं, आप कहते हैं जी मैं आऊँगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूँगा, करते कुछ भी नहीं, अपने पेट भरते हैं, जहाँ लंदन में जाकर बैठ जाते हैं, जो सबसे ज्यादा करप्ट होता है उसको उसको ऊपर बिठा देते हैं। अभी तो बर्मिंगम के अंदर ये हुआ, इससे पहले दुबई ने भी हमारा बायकॉट किया, हमारे 26 सिटीज को बैन कर दिया है कि 26 सिटीज से पाकिस्तानी जो है दुबई नहीं आ सकते। इससे पहले तुर्की ने भी हमारा बायकॉट किया, तुर्की ने भी कहा कि भाई पाकिस्तानियों को हमने अपने मुल्क के अंदर एंटर होने नहीं देना, यहाँ पर आकर ये हमारी माओ बैठी हुई जो वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं, बेचते हैं। तो जब हम इस तरह की खिलाफ रखेंगे तो क्या हमारी वैल्यू होगी वर्ल्ड वाइड में? एक और कारनामा पाकिस्तानियों का, बर्मिंगम बैंकरप्ट हो गया है पाकिस्तानियों की वजह से। रिपोर्ट बताती है, बर्मिंगम कहता है कि हमारी तबाही की वजह पाकिस्तानी है। वो इसी कोशिश में है कि किसी तरह से पाकिस्तानियों को वहां से दफा किया जाए, क्योंकि अभी उनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि बजट नाफिज कर सके बर्मिंगम में। क्या बोलते हैं आप देविक, रोज ब रोज पाकिस्तानियों के कारनामे सुनना आपको कैसा लगता है? नहीं, ये लोगों के पहले से पता था यूके के हालात क्या है, ये खबर है। खबर जो नई बात यह है कि अब वो डिफॉल्ट होना शुरू हो गया है। अभी एक शहर हुआ है, आगे जाके दूसरे शहर भी होंगे। लेकिन ये एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये मैं देखें, बर्मिंगम शहर की अगर हम सिर्फ एक शहर की बात करें तो उसके अंदर सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों का बेड़ा गर्क हुआ। ऐसे वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और घंटी बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिलती रहे।